मॉर्निंग बच्चों, सर शुरू करो। यस मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों, ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम में मैं नर्मदा मरकाम आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ने वाले हैं और हिंदी व्याकरण के अंतर्गत लिंग लिंग और उनके प्रकार के बारे में पीपीटी के माध्यम से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए मैं स्क्रीन से शुरू करती हूँ, तो आप सभी बच्चे ध्यान पूर्वक देखिए, सुनिए और समझिए। ओके बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम में आप सभी का फिर से स्वागत है। आरसीएफ कॉलोनी हिंदी शाला प्रस्तुत कक्षा पांचवी विषय हिंदी घटक व्याकरण, व्याकरण के अंतर्गत पढ़ेंगे बच्चों हम लिंग व प्रकार। मेरा नाम है नर्मदा मरकाम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का दिनांक है 25 फरवरी 2021, दिन है गुरुवार और आज का विचार है मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। बच्चों, हम अगर अच्छे से मेहनत करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, हमारा होमवर्क समय पर पूरा होते जाएगा, तो हमारा जो रिजल्ट होगा, परिणाम होगा, वो पेपर में हमेशा अच्छा ही आएगा। हमें फर्स्ट नंबर से पास होंगे, अच्छा नंबर मिलेगा, तो उसका जो परिणाम होगा कैसा रहेगा, मीठा होगा, हमें अच्छा लगेगा ना कि मुझे अच्छा मार्क्स मिला है करके। तो कहा गया है कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, इसलिए हमेशा मेहनत करनी चाहिए, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होता है। ओके बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें आज का हमारा जो टॉपिक है वो लिंग है। लिंग को इंग्लिश में बोलते हैं जेंडर। तो ये पिक्चर में देखिए कौन क्या क्या दिखाई दे रहा है, कुछ लड़कियां है और कुछ लड़के हैं। तो इन्हीं लड़के लड़कियों के लिंग के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से लिंग होते हैं। पिक्चर में देखिए बच्चों क्या क्या दिखाई दे रहा है, देखो मम्मी है, पापा है, लड़का है, लड़की है, और लड़की के हाथ में क्या है, बिल्ली है, और लड़के के पास क्या है, कुत्ता है ना, दिखाई दे रहा है ना अलग अलग पिक्चर। ये एक परिवार का चित्र है, उसमें सब दिखाई दे रहा है जो, और ये कुत्ते क्या और बिल्ली क्या है, पालतू प्राणी है। देखो मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। यहाँ एक परिवार का चित्र है। परिवार में माता पिता व उनके दो बच्चे, एक बेटा और एक बेटी है, तथा उनके पास दो पालतू जानवर है, एक बिल्ली व एक कुत्ता। परिवार के सदस्यों में पिता बेटा तथा उनका जो पालतू जानवर कुत्ता है वो पुरुष जाति का है। समझ में आ रहा है बच्चों, ध्यान से सुनिए। परिवार के सदस्यों में पिता बेटा तथा उनका पालतू जानवर कुत्ता पुरुष जाति से जुड़े हुए संज्ञा है, शब्द है, और माता बेटी व उनकी बिल्ली स्त्री जाति के संज्ञा शब्द है। संज्ञा मतलब नाम होता है किसी वस्तु या व्यक्ति प्राणी का नाम। तो ये जो नाम है वो क्या दर्शा रहा है, पुरुष जाति और स्त्री जाति को दर्शा रहा है। तो सुनिए, शब्दों के जिस रूप से किसी व्यक्ति या प्राणी के पुरुष या स्त्री जाति के होने का पता चलता है उसे लिंग कहते है। तो लिंग किसे कहेंगे बच्चों, जिस शब्द से हमें पुरुष जाति या स्त्री जाति का होने का पता चलता है उसे हम लिंग कहते हैं। इस नाम से हम लिंग की पहचान कर सकते हैं। पिक्चर ध्यान से देखिए ना, देखो पिता माता बेटी बेटा बिल्ली और कुत्ता।
ये एक परिवार का चित्र है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो एक लड़का सोच रहा है कि लिंग की परिभाषा क्या होती है। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि क्या होती है, तो अभी मैंने बताया, एक बार वापस फिर से बता रही हूँ। लिंग शब्दों के जिस रूप से किसी व्यक्ति या प्राणी के पुरुष या स्त्री जाति के होने का पता चलता है या बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। ध्यान है बच्चों, किसे लिंग कहते हैं? किसी भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, निर्जीव हो या सजीव हो, इन सबके नाम से हमें पुरुष या स्त्री जाति का होने का पता चलता है उसे हम लिंग कहते हैं। देखो लिंग के कितने प्रकार हो सकते हैं, ये बच्चा सोच रहा है कि कितने प्रकार के लिंग होते हैं। तो चलो हम आज भी देखते हैं कि लिंग के प्रकार कितने और कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट लिंग है पुल्लिंग, पुल्लिंग। दूसरा स्त्रीलिंग। तीसरा है नपुंसक लिंग। तो बच्चों हम आज के इस लेसन में दो ही लिंग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में। तो चलिए एक एक के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले तो पुल्लिंग, देखो पुल्लिंग किसे कहते हैं? तो जिस नाम से हमें पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। समझ में आया बच्चों कि जिस नाम से हमें पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर है पुरुष रोहन, बैल, कुत्ता, घोड़ा आदि, ये सब क्या है? पुल्लिंग जाति के नाम है। समझ में आया बच्चों? इसमें आप और जोड़ सकते हो, क्या जोड़ सकते हो? मोर, नाग, किसी का नाम भी जोड़ सकते हो, आदित्य, राजा। समझ में आया? इसके बाद पुल्लिंग से जुड़े हुए कुछ नियम देखेंगे बच्चों, ध्यान से सुनिए। हाँ, पुल्लिंग से जुड़े शब्दों की पहचान करने के लिए उनके पीछे लगे अ, त्व, आ, आव, पा, पन, न आदि प्रत्यय की पहचान करनी काफी ज्यादा जरूरी है। और देखो कौन कौन से इसमें पुल्लिंग के नाम होते हैं, जैसे पेड़ों के सभी नाम पुल्लिंग होते हैं। ध्यान से सुनिए, पेड़ के जितने भी नाम हैं वो क्या होते हैं? पुल्लिंग। जैसे मैं नाम ले रही हूँ, शीशम, अशोक, केला, सागौन, पपीता, देवदार, अमरूद, फलाश, अनार, जामुन, बरगद, पीपल आदि के पेड़ के जो नाम है वो पुल्लिंग होते हैं। इसमें तुलसी, तुलसी इसमें एक अपवाद है क्योंकि तुलसी एक माता है, वो स्त्रीलिंग है, इसलिए तुलसी का जो पौधा है वो स्त्रीलिंग होता है, पुल्लिंग नहीं होता है। जैसे धातुओं के सभी नाम पुल्लिंग होते हैं। धातु मतलब, ध्यान से सुनिए मैं बोल रही हूँ ना, लोहा, तांबा, पीतल, चांदी, सोना, पारा। जो हम लोग सोना चांदी जो खरीदते हैं, पीतल, चांदी, पारा, तांबा, लोहा, ये सारे क्या है? पुल्लिंग के नाम है। द्रवों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे द्रव मतलब लिक्विड जो होता है जिसको हम पीते हैं, शरबत, पानी, तेल, दूध, दही, घी, पेट्रोल, डीजल आदि क्या है? द्रवों के नाम है। और ये नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। नक्षत्रों के नाम सभी पुल्लिंग होते हैं। जो नक्षत्र होते हैं जैसे सूर्य, चंद्र, ये सब, मंगल, शुक्र, बृहस्पति, आकाश, शनि, सूर्य, चंद्र, राहु आदि किसके नाम है? पुल्लिंग के नाम है नक्षत्रों में। अनाजों के सभी नाम पुल्लिंग होते हैं। अभी देखते हैं कि कौन कौन से अनाज है वो पुल्लिंग होते हैं। जैसे जौ, बाजरा, गेहूं, चना, ज्वार इत्यादि।
समझ में आ रहा है बच्चों? कौन कौन से अनाज के जो नाम है वो पुल्लिंग होते हैं? जौ, बाजरा, गेहूं, चना, जौर इत्यादि। गुड। सागर के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं। जो हमारे देश में बहुत सारे सागर हैं, उनके जो नाम है वो भी क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे प्रशांत महासागर, प्रशांत, देखो प्रशांत एक लड़के का भी नाम होता है, तो प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, अरब सागर, हिंद महासागर इत्यादि जो सागर है, महासागर है, उनके जो नाम है वो क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। प्राणीवाचक शब्द हमेशा पुल्लिंग होते हैं। अभी देखते हैं कि कौन कौन से प्राणी के नाम है जो पुल्लिंग होते हैं। जैसे इंसान, मनुष्य, व्यक्ति, खरगोश, खटमल, कौवा, गीदड़, बालक, शेर, कुत्ता, मच्छर, पक्षी और क्या है? बंदर इत्यादि के जो नाम है वो क्या क्या होते हैं? कौन सा लिंग होता है? पुल्लिंग होता है। जैसे देशों के नाम, जो अपने देश है वो कौन कौन से देशों के नाम है तो पुल्लिंग होते हैं। जैसे भारत, पाकिस्तान, ब्रिटेन, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि। महीनों के नाम भी हमेशा पुल्लिंग होते हैं। देखो 12 महीने होते हैं, उसमें से कौन कौन से जो नाम है वो पुल्लिंग में आते हैं। जैसे सितंबर, दिसंबर, जनवरी, मई और अप्रैल। समझ में आ रहा है बच्चों? कौन कौन से महीनों के नाम है जो पुल्लिंग होते हैं? सितंबर, दिसंबर, जनवरी, मई और क्या? अप्रैल। गुड। अभी पर्वतों के नाम भी हमेशा पुल्लिंग होते हैं। जो पर्वत होते हैं उनके कौन कौन से नाम है जो पुल्लिंग होते हैं? जैसे माउंट एवरेस्ट, विंध्याचल, मलायाचल, कैलाश इत्यादि जो नाम है वो पुल्लिंग होते हैं। दिनों के नाम, जो दिन है हमारे 7 दिन होते हैं, उनमें से कौन कौन से नाम है जो पुल्लिंग होते हैं? जैसे शनिवार, रविवार, शुक्रवार, इतवार आदि। समय, समय के नाम हमेशा ही पुल्लिंग होते हैं। जो समय होता है वो कौन कौन से है? जैसे घंटा, पल, क्षण और मिनट, सेकंड। उसके बाद है वर्णमाला के अक्षरों के नाम हमेशा से ही पुल्लिंग होते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अम, आहा। ये पूरे जितने स्वर है वो सारे क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। ये तो हम लोग पुल्लिंग के बारे में पढ़े बच्चों। अभी दूसरा है, दूसरा क्या था, कौन सा लिंग था? स्त्रीलिंग। उसके बारे में पढ़ेंगे। जिस नाम से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। ध्यान से सुनिए बच्चों। जिस नाम से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। उदाहरण, जैसे रानी है, माँ है, मुर्गी, दादी, नानी, मामी, है कि नहीं? ये सारे जो नाम है वो क्या कहलाते हैं? कौन सा लिंग कहलाते हैं बच्चों? स्त्रीलिंग। वेरी गुड। तो कोई बताएगा स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? गुड। जिस नाम से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। अभी स्त्रीलिंग से जुड़े कुछ नियम है, जैसे पुल्लिंग से जुड़े कुछ नियम था, वैसे ही स्त्रीलिंग से जुड़े कुछ नियम है। कुछ ध्यान से सुने। स्त्रीलिंग शब्दों को बनाने के लिए उनमें प्रत्यय जोड़ा जाता है। जो प्रत्यय है वो जोड़ा जाता है। ऐसे प्रत्यय स्त्रीलिंग प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे ई लगाकर बनाया गया, जैसे ई लगाकर जो प्रत्यय बनाया गया है वो क्या है? बड़ी, भली, खड़ी, सुनी, सनी इत्यादि। इस प्रकार के अन्य शब्द है जिसमें इनी, इन, नी, आनी
आईना या आदि प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाया जाता है। जैसे स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान करने के लिए उनके पीछे लगे हट, वट, ख, ट इत्यादि शब्दों को देखा जाता है। तो आइए देखते हैं, स्त्रीलिंग शब्दों को बनाने के लिए प्रत्यय, उसमें प्रत्यय जोड़ा जाता है, ऐसे प्रत्यय स्त्रीलिंग प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे ई लगाकर बनाया बड़ी, भली, खड़ी, सुनी, सनी इत्यादि। इस प्रकार के अन्य शब्द है इनी, इनी, आनी, आईना, इया। तो स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान करने के लिए उनके पीछे लगे हट, वट, ख, ट इत्यादि शब्दों को देखा जा सकता है। जैसे उ, ई जैसे संज्ञाओं से स्त्रीलिंग शब्दों का बोध होता है, अर्थात अनुस्वारत, इकारंत, उकारंत, तकारंत, सकारंत आदि संज्ञाएं स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे रोटी, कुर्सी, भाभी, मम्मी, खड़ाऊ, बोली आदि शब्द स्त्रीलिंग से जुड़े होते हैं। जैसे अभी है स्त्रीलिंग से जुड़े कुछ और नियम है, जैसे आहारों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं। जो आहार हम लोग भोजन जो खाते हैं उसमें से कौन कौन से नाम है जो स्त्रीलिंग होते हैं, उदाहरण है पकौड़ी, रोटी, दाल, कचौड़ी, सब्जी। पता है ना बच्चों ये सब आप लोगों को कि पकौड़ी, रोटी, दाल, कचौड़ी, सब्जी ये कौन से लिंग में आते हैं, स्त्रीलिंग में। क्यों? क्योंकि इसके कौन सा प्रत्यय लगा है, ई प्रत्यय लगा है सब में, है ना। ई का प्रत्यय लगाकर पकौड़ा का पकौड़ी, रोटी, दाल, कचौड़ी, सब्जी बना है, इसलिए ये कौन से लिंग होंगे, स्त्रीलिंग। दूसरा, पुस्तकों के नाम भी हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं। देखते कौन कौन से पुस्तक है जो स्त्रीलिंग में आते हैं, रामचरितमानस, रामायण, बाइबल, गीतांजलि, किताब, गीता इत्यादि स्त्रीलिंग में आते हैं। कुछ नक्षत्रों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कौन कौन से नाम है, मृगशिरा, अश्विनी, भरणी, रोहिणी, चित्रा और रेवती आदि जो नक्षत्रों के नाम है वो स्त्रीलिंग में आते हैं। तारीखों और तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे अमावस्या, पूर्णिमा, देखो पूर्णिमा किसी लड़की का भी नाम होता है, प्रथमा, प्रथमा भी नाम रहता है, प्रतिपदा, पृथ्वी, एकादशी आदि जो तारीख या तिथियां है इनके नाम किसमें आते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। शरीर के अंगों के कई नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जो अपना शरीर है उसमें से कौन कौन से अंग के नाम है, तो ध्यान से सुनिए बच्चों कौन कौन से नाम है, तोड़ी, जीभ, पलक, आंख, नाक आदि जो नाम होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। इसके बाद है राशियों के कई नाम स्त्रीलिंग होते हैं, उदाहरण जैसे कर्क, कुंभ, मीन, तुला, सिंह, मेष इत्यादि जो राशि होते हैं उनके जो नाम है कौन कौन से है, कर्क, कुंभ, मीन, तुला, सिंह, मेष इत्यादि जो नाम है वो कौन से लिंग कहलाता है बच्चों, स्त्रीलिंग। गुड। समूहवाचक शब्द हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे समूहवाचक जैसे एक साथ रहना उसको क्या बोलते हैं, समूह। तो जो समूहवाचक शब्द है वो स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे भीड़, भीड़ में बहुत सारे लोग जमा होते हैं, भीड़, हुजूम, सेना, सभा, कक्षा, कमिटी इत्यादि जो शब्द है समूहवाचक वो कौन सा लिंग होता है, स्त्रीलिंग होते हैं। इसमें क्या अपवाद है बच्चों, दल, दल इसमें एक अपवाद है, ये दल क्या है, स्त्रीलिंग शब्द नहीं है।
बोलियों, भाषाओं और लिपियों के नाम भी हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। उदाहरण के लिए हिंदी, संस्कृत, फ्रेंच, अरबी, फारसी, देवनागरी, अवधी, मराठी, तमिल, गुजराती, बंगाली, गुरुमुखी इत्यादि, ये सारे क्या है? स्त्रीलिंग है। नदियों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, जो नदियां होती है उनके उदाहरण है यमुना, गोमती। उसके साथ ही मसालों के नाम, जो सब्जियों में हम लोग मसाला डालते हैं ना, वो सब्जियों के मसालों के नाम भी क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। उदाहरण जैसे सौंफ, अजवाइन, हल्दी, मिर्च, धनिया, लौंग इत्यादि क्या है? स्त्रीलिंग के उदाहरण है। वस्त्रों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं। जैसे वस्त्र मतलब कपड़ा, तो कपड़े हम लोग पहनते हैं, उसमें से कौन कौन से कपड़े हैं जो स्त्रीलिंग में आते हैं? जैसे पैंट, टाई, बेल्ट, सलवार, पायजामा, सूट, धोती, कुर्ती इत्यादि, ये सारे जो उदाहरण है वो स्त्रीलिंग के उदाहरण है। आभूषण के नाम स्त्रीलिंग में होते हैं। आभूषण जैसे चूड़ी, बिंदी, कंघी, अंगूठी, नथ। देखो ये चूड़ी, बिंदी, कंघी, अंगूठी में कौन से प्रत्यय लगाए बच्चों? ई प्रत्यय लगाकर शब्द बनाया गया है, इसलिए वो कौन सा लिंग कहला रहा है? स्त्रीलिंग। समझ में आ रहा है बच्चों? और इसके बाद देखिए, इसमें पिक्चर में दिखाया गया है एक औरत है और एक आदमी है। लिंग, लिंग के दो लिंग बताया गया है। मैं पहले ही बताई थी कि दो लिंग के बारे में पढ़ेंगे, उसमें पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। तो लिंग के कितने प्रकार होते हैं बच्चों? तो गुड, वेरी गुड, लिंग के दो प्रकार होते हैं। तो पहला क्या है? पुल्लिंग। पुल्लिंग किसे कहेंगे? गुड, जिन शब्दों में उनके लड़का या पुरुष जाति के होने का पता चलता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे पिता, बेटा, भाई, शेर, मोर, अध्यापक आदि। स्त्रीलिंग, जिन शब्दों से उनके लड़की या स्त्री जाति के होने का पता चलता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे माता, बेटी, बहन, शेरनी, मोरनी, अध्यापिका आदि। इसके जैसे अनेक उदाहरण हैं जो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। वो अभी हम देखेंगे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पिक्चर में देखिए बच्चों क्या क्या दिखाई दे रहा है। राजा, रानी है और एक लड़का और एक लड़की है। तो राजा क्या है बच्चों? पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग? पुल्लिंग, वेरी गुड। क्या है? पुल्लिंग। तो राजा पुल्लिंग, रानी, रानी क्या है बच्चों? स्त्रीलिंग, वेरी गुड। क्या है? स्त्रीलिंग। लड़का, लड़का कौन से लिंग है बच्चों? पुल्लिंग, शाबाश, पुल्लिंग। और लड़की? स्त्रीलिंग। छात्र? पुल्लिंग। और छात्रा? स्त्रीलिंग, गुड। आगे देखते हैं, इसमें पहचानी है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पहचानना है। जैसे पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है? पहले पिक्चर में दूल्हा और दुल्हन है, उसको क्या बोलते हैं? वर, वधु। इसमें पुल्लिंग क्या है बच्चों? दूल्हा, वेरी गुड, दूल्हा पुल्लिंग है। और दुल्हन क्या है? स्त्रीलिंग। इसको वर भी बोलते हैं, वर मतलब दूल्हा, वर दुल्हन को वधु। वधु क्या है? स्त्रीलिंग है। और वर क्या है? पुल्लिंग। दूसरे पिक्चर में देखिए, सर पढ़ा रहे हैं और टीचर भी पढ़ा रही है ना, तो इसको अध्यापक बोलते हैं। अध्यापक क्या है? पुल्लिंग है। और अध्यापिका स्त्रीलिंग है। थर्ड पिक्चर तीसरे में देखिए, माइक पकड़ के क्या कर रहे हैं? दोनों गाना गा रहे हैं, है ना, गाना गा रहे हैं। तो उसको गाने गाने वाले को क्या बोलते हैं? गायक। तो पुल्लिंग है गायक और स्त्रीलिंग है तो गायिका।
समझ में आ रहा है बच्चों? गायक क्या होगा, कौन सा लिंग होगा? पुल्लिंग, और गायिका स्त्रीलिंग। इसमें देखिए कौन कौन सा चित्र दिखाई दे रहा है, बैल है, शेर है, मुर्गा है ना। तो इसमें देखते हैं कि कौन कौन से जो शब्द है वो पुल्लिंग है और स्त्रीलिंग है। बैल का स्त्रीलिंग क्या होगा बच्चों? बैल पुल्लिंग है, उसका स्त्रीलिंग क्या होगा? गाय। वेरी गुड, क्या होगा? गाय। शेर, देखिए शेर है, शेर क्या है? पुल्लिंग है, उसका स्त्रीलिंग क्या होगा? शेरनी। गुड। मुर्गा, तीसरे पिक्चर में देखिए मुर्गा, मुर्गा क्या है, कौन सा लिंग है? पुल्लिंग, तो इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? मुर्गी। समझ में आया बच्चों? अभी हम लोग नियम, जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग है उसके कुछ नियम है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो शब्दों के लिंग परिवर्तन के लिए प्रयुक्त नियम, कुछ नियम दिए गए हैं उसके बारे में जान लेते हैं। पहला नियम है बच्चों, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग करने के लिए ई का प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे ई प्रत्यय लगाते करके पहले ही बताया मैंने, तो ई का प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे पुल्लिंग क्या है? चाचा। स्त्रीलिंग चाची। दादा दादी। लड़का लड़की। नर नारी। बंदर बंदर बंदरी या बंदरिया भी होता है। पोता पोती। घोड़ा घोड़ी। नाला नाली। बकरा बकरी। वैसे ही दूसरे में नर नारी, पोता पोती, घोड़ा घोड़ी, नाला नाली, बकरा बकरी, दास दासी, कबूतर कबूतरी, नाना नानी, देव देवी, कुत्ता कुतिया, कुतिया भी होता है। तो इसमें सारे शब्दों में देखिए बच्चों, स्त्रीलिंग है उसमें क्या लगा है? ई का प्रयोग किया गया है, ई प्रत्यय लगाया गया है। तो ये ई का प्रयोग करने वाले नियम है, जो पुल्लिंग शब्द है उसमें हम लोग ई लगा दिए तो क्या बन जाता है बच्चों? वो स्त्रीलिंग बन जाता है। दूसरा नियम है बच्चों, जब पुल्लिंग शब्दों के अंत में अ आ अथवा वा आदि शब्दों का प्रयोग होता है, तब स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अ आ अथवा व के स्थान पर इया या लगाकर उनका निर्माण किया जाता है। तो उदाहरण है खाट, खटिया, क्या बन गया? खटिया। तो खाट में हम लोग इया जोड़ दिए है तो क्या हो गया? खटिया। बंदर बंदरिया, बूढ़ा बूढ़िया, लोटा लुटिया। समझ में आ रहा है बच्चों? दूसरा नियम में क्या कहा गया है, जब पुल्लिंग के शब्द में अ आ वो ऐसे शब्द रहेंगे उसके बदले हम लोग स्त्रीलिंग बनाने के लिए क्या कौन सा प्रत्यय जोड़ देते हैं? इया। गुड, इया प्रत्यय जोड़ देते हैं, तो इसलिए ये शब्द बन गया है खाट का खटिया, बंदर का बंदरिया, बूढ़ा का बूढ़िया और लूटा का लूटिया। तीसरा नियम है, कुछ पुल्लिंग शब्दों में इका प्रत्यय जोड़कर उन्हें स्त्रीलिंग बना दिया जाता है। जैसे उदाहरण है, जैसे बालक बालिका, तो बालक था उसमें हम लोग इका प्रत्यय जोड़े तो क्या हो गया वो शब्द? बालिका। समझ में आ रहा है बच्चों? बालक का बालिका कैसे बना? उसमें हम लोग इका प्रत्यय जोड़े इसलिए वो बन गया बालिका। गुड। संपादक संपादिका, पाठक पाठिका, चालक चालिका, पालक पालिका और पत्र का पत्रिका। चौथा नियम है, कभी पुल्लिंग शब्द काफी ज्यादा जटिल होते हैं, इस कारण उन्हें स्त्रीलिंग में बदलने के लिए मादा लगाना पड़ता है। जैसे जो शब्द होते हैं उसको हम लोग स्त्रीलिंग नहीं बना सकते, उसके आगे हम लोग क्या लगा देते हैं? मादा लगा देते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से जो शब्द है उसमें हम लोग नर और मादा लगाए हैं। फर्स्ट है मक्खी
मक्खी का स्त्रीलिंग क्या होगा? मक्खी, तो उसका पुल्लिंग क्या है? नर मक्खी। मच्छर, मादा मच्छर। भालू, मादा भालू। भालू का स्त्रीलिंग भलुई, ऐसा नहीं बोल सकते ना, इसलिए हम लोग क्या लगाए हैं? मादा भालू। मैना, नर मैना। कौवा, मादा कौवा। कोयल, नर कोयल। भेड़, नर भेड़। कछुआ, नर कछुआ। तोता, मादा तोता। ये जो शब्द है वो थोड़े जटिल है, कठिन है, उसके आगे हम लोग क्या लगा दिए? मादा लगा दिए, तो वो क्या बन जाता है? स्त्रीलिंग बन जाता है। पांचवा नियम है, कुछ स्त्रीलिंग शब्द पुल्लिंग शब्दों से बिल्कुल ही अलग होते हैं, उनके निर्माण में किसी भी प्रकार के नियम का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर है, जैसे भाई बहन, सम्राट सम्राटी, बेटा बहू, पति पत्नी, पिता माता, पुरुष स्त्री, बिलाव बुल्ली, बिल्ली, वर वधू, मर्द औरत। ये कॉमन है, इसके हम लोग इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, इसका प्रयोग बिल्कुल ही अलग होता है। छठा नियम है बच्चों, बच्चों आप लोग इस नियमों का आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हो। कुछ पुरुष शब्दों के अंत में आनी, ध्यान से सुनिए, कुछ पुरुष शब्दों के अंत में आनी प्रत्यय लगाकर उन्हें स्त्रीलिंग बना दिया जाता है। जैसे ठाकुर, ठाकुरानी। सेठ, सेठानी, है ना, सेठ है, उसमें आनी लगा दिए, आनी प्रत्यय जोड़ दिए हम लोग, तो वो क्या बन गया बच्चों? सेठानी। ठाकुर में हम लोग आनी लगाए तो ठाकुरानी। देवर, देवरानी। इंद्र, इंद्रानी। पंडित, पंडितानी। नौकर, नौकरानी। चौधरी, चौधरानी। मेहतर, मेहतरानी। ये सारे जो पुल्लिंग शब्द है उसमें हम लोग लास्ट में कौन सा प्रत्यय लगाए बच्चों? आनी। तो वो सारे क्या बन गए हैं? स्त्रीलिंग बन गए हैं। समझ में आ रहा है बच्चों नियम? इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सातवां नियम है, कई सारे पुल्लिंग शब्दों के अंत में इन इन प्रत्यय का प्रयोग करके उन्हें स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे कुम्हार, कुम्हार पुल्लिंग है, उसमें हम लोग इन लगाए तो क्या हो गया बच्चों? कुम्हारीन। बाघ, बाघ में हम लोग इन प्रत्यय लगा दिए तो बाघीन। बाघ क्या है? पुल्लिंग है और बाघीन स्त्रीलिंग। लुहार, लुहारीन। माली, मालीन। दर्जी, दर्जीन। सुनार, सुनारीन। साप, सापिन। ये सारे क्या है? इन प्रत्यय लगाकर तैयार किए गए स्त्रीलिंग शब्द है। आठवां नियम है बच्चों, जी पुल्लिंग शब्दों के अंत में आइन, आ इन प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनाया जाता है। तो जैसे चौधरी, चौधराइन। जैसे चौधरी है, उसमें हम लोग आइन जोड़ दिए, तो कौन सा नया शब्द तैयार हो गया बच्चों? चौधराइन। वेरी गुड। तो कौन सा प्रत्यय लगा है इसमें? आइन। पंडित, पंडिताइन। बाबू, बबुआइन। गुरु, गुरुआइन। हलवाई, हलवाइन। ये सारे प्रत्यय कौन से है? आइन वाले प्रत्यय लगाने के बाद चौधरी का क्या बन गया? चौधराइन स्त्रीलिंग बन गया है। नौवां नियम है, पुल्लिंग शब्दों के अंत में जब ता का प्रयोग किया जाता है तब स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में त्रि, त्रि का प्रयोग किया जाता है। जैसे धाता, धाता लिखे, उसका स्त्रीलिंग क्या हो गया? त्रि लगाए तो धात्री। त्रि प्रत्यय लगाने के बाद कौन सा शब्द बन गया बच्चों? धात्री। रचिता, रचित्री। वक्ता, वक्त्री। अभिनेता,
अभिनेत्री, नेता नेत्री, कवि कवयित्री, विधाता विधात्री, यह कौन से प्रत्यय का प्रयोग किया हम इसमें? त्री का। तो ये स्त्रीलिंग शब्द तैयार हो गया है कवि का, कवित्री। दसवां नियम है बच्चों, पुल्लिंग शब्दों के अंत में कई बार नी प्रत्यय का प्रयोग करके उन्हें स्त्रीलिंग बनाया जाता है। तो पुल्लिंग शब्द होते हैं उसके में हम लोग नी प्रत्यय जोड़कर कौन सा लिंग बनाया जाता है? स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे हाथी, हाथी में हम लोग ने कौन सा प्रत्यय लगाना है? नी। स्त्रीलिंग बनाने के लिए कौन सा लगाएंगे? नी। तो वो कौन सा शब्द बन जाएगा? हथीनी। वो क्या, कौन सा लिंग कहलाएगा बच्चों? स्त्रीलिंग। वेरी गुड। कौन सा लिंग? स्त्रीलिंग। शेर शेरनी, चांद चांदनी, सिंह सिंहनी, मोर मोरनी, चोर चोरनी, हंस हंसनी, भील भीलनी, ऊट ऊटनी, हिंदू हिंदुनी। तो ये सारे जो शब्द है वो नी प्रत्यय लगाकर तैयार किए गए स्त्रीलिंग शब्द है। 11वां नियम है, पुल्लिंग शब्दों के अंत में इनी इनी प्रत्यय का प्रयोग करके स्त्रीलिंग बना दिया जाता है। उदाहरण है तपस्वी तपस्विनी। तपस्वी में हम लोग इनी लगाए तो कौन सा शब्द बन गया नया? तपस्विनी, वो स्त्रीलिंग बन गया। सुहास पुल्लिंग है, उसमें हम लोग इन्हीं शब्द इन्हीं प्रत्यय जोड़े तो क्या बन गया है? सुहासिनी। मनुष्वी मनुष्विनी, अभिमान अभिमानिनी। ये सारे क्या है? पुल्लिंग के नियम है। 12वां नियम है, कई बार पुल्लिंग शब्दों के अंत में ती ती प्रत्यय का प्रयोग करके उन्हें स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे उदाहरण है बच्चों, भगवान भगवान, ये कौन सा शब्द है? पुल्लिंग है। उसके अंत में हम लोग क्या लगाएंगे? ती प्रत्यय। प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में लगाया जाता है बच्चों। तो ती यहाँ प्रत्यय लगाने के बाद वो कौन सा नया शब्द तैयार हो गया? भगवती। वेरी गुड। तो भगवती स्त्रीलिंग है। श्रीमान श्रीमान में हम लोग ती प्रत्यय लगाए तो क्या बन गया? श्रीमती। पुत्रवान पुत्रवती। आयुष्यमान आयुष्यमती। बुद्धिमान बुद्धिमती। तो आदि जो ती प्रत्यय के शब्दों के उदाहरण है। 13वां नियम है बच्चों, पुल्लिंग शब्द जो अक्षर अ पर खत्म होते हैं उनके अंत में आ लगाकर उन्हें स्त्रीलिंग कर दिया जाता है। जो पुल्लिंग शब्द है अ पर खत्म होगा उसमें हम लोग आ लगाएंगे तो वो स्त्रीलिंग बन जाएगा। जैसे प्रिय प्रिय है, उसमें हम लोग ने आ प्रत्यय जोड़ दिए तो वो क्या बन गया? प्रिया। प्रिया क्या बन गया? स्त्रीलिंग बन गया। और प्रिय क्या है? पुल्लिंग। सूत सूता, तनुज तनुजा, पुष्प पुष्पा, श्याम श्यामा, आत्मज आत्मजा, भेड़ भेड़ा, पूज्य पूज्या, चंचल चंचला, वेदांत वेदांता। कौन सा प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाए हैं बच्चों हम लोग? आ प्रत्यय लगाकर। वेरी गुड। तो ये सारे थे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के नियम। अभी हम लोग गृह कार्य देखेंगे, उसमें क्या है? रिश्ते नाते सगे संबंधी। रिश्ते नाते और सगे संबंधी में जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग के जो शब्द है उसके बारे में पढ़ेंगे अभी। पुल्लिंग शब्द पिता, उसका स्त्रीलिंग क्या होगा बच्चों? माता। भाई बहन। दादा, दादा का स्त्रीलिंग क्या होगा बच्चों? दादी। वेरी गुड। चाचा चाची। फूफा, फूफा का क्या होगा? फूफी या फूफा।
बुआ, गुड। ताऊ, ताया क्या है? पुल्लिंग, तो उसका स्त्रीलिंग क्या होगा बच्चों? ताई, वेरी गुड। जैसे नाना, नाना का स्त्रीलिंग क्या होगा आप सभी को पता है? नानी, गुड। क्या होगा? नानी। मामा, मामी। बेटा, बेटी। मौसा का स्त्रीलिंग मौसी। पति, कौन सा लिंग है बच्चों? पुल्लिंग, गुड। तो पति का स्त्रीलिंग क्या होगा? पत्नी। पुत्र, पुत्र का स्त्रीलिंग क्या होगा? पुत्री, गुड। तो ये कौन से लिंग थे, कौन किससे संबंधित थे? रिश्ते नाते और सगे संबंधी से जो संबंधित लिंग है उसके बारे में पढ़े। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा है पशु पक्षी और जीव जंतु। पशु पक्षी और जीव जंतु में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में देखते हैं कुछ शब्द। मोर, मोर का स्त्रीलिंग क्या होगा बच्चों? सबको पता है, मोरनी, वेरी गुड। शेर, शेरनी। हंस, हंसिनी। घोड़ा, घोड़ा का क्या होगा स्त्रीलिंग? घोड़ी, शाबाश। बंदर, बंदरिया। चूहा, चूहिया। दूसरा है बकरा, बकरा का क्या होगा बताइए? बकरी, गुड। मुर्गा, मुर्गी। सिंह का स्त्रीलिंग सिंहनी। चिड़ा, चिड़ा का स्त्रीलिंग क्या होगा? चिड़िया। हाथी क्या है बच्चों? पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग? पुल्लिंग, वेरी गुड। हाथी क्या है? पुल्लिंग और हथिनी स्त्रीलिंग। बिलाव, बिलाव क्या है? पुल्लिंग और बिल्ली स्त्रीलिंग, गुड। तो ये कौन से इससे संबंधित है? पशु पक्षी और जीव जंतु से संबंधित कुछ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के उदाहरण है। अभी दूसरे अन्य, जैसे राजा, राजा क्या है? पुल्लिंग है। इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? रानी। धोबी, धोबी का स्त्रीलिंग बच्चों? धोबी। अध्यापिका, इसके पहले पढ़े हैं हम लोग, अध्यापक। अध्यापक का पुल्लिंग क्या होगा? अध्यापिका। पंडित का स्त्रीलिंग पंडिताई। नौकर का स्त्रीलिंग क्या होगा बच्चों? नौकरानी। माली, मालिन। बूढ़ा, बूढ़ा का स्त्रीलिंग बुढ़िया। बालक का स्त्रीलिंग क्या होगा बच्चों? आप लोग बालक हो ना, बालक का क्या होगा? बालिका, गुड। क्या होगा? बालिका। सेठ, सेठानी। मालिक, मालिक का क्या होगा स्त्रीलिंग? मालकिन, वेरी गुड। सेवक, सेविका। गायक का, गायक का देखो हम लोग पढ़े थे अभी, गायक का क्या होगा स्त्रीलिंग? गायिका, वेरी गुड। बैल, बैल का स्त्रीलिंग गाय। ससुर, ससुर सास। दूल्हा का स्त्रीलिंग दुल्हन। विद्वान, विदुषी। बिलाव, बिल्ली। कुत्ता, कुत्ता का स्त्रीलिंग क्या होगा बच्चों? कुतिया। कवि, जो कविता लिखता है उसको क्या बोलते हैं? कवि। तो कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवित्री। श्रीमान, श्रीमती। सेठ, सेठानी। छात्र, छात्र का स्त्रीलिंग छात्र। महोदय, महोदय का स्त्रीलिंग क्या होगा बच्चों? महोदया। डिब्बा का डिब्बा। कुछ याद रखने योग्य महत्वपूर्ण बातें हैं यहाँ पर, ध्यान से सुनिए। लिंग बदलने पर क्रिया का रूप भी बदल जाता है। ऐसे लिंग बदलेगा तो उसका क्रिया का रूप भी बदलेगा। लड़का, देखो पिक्चर में क्या कर रहा है, लड़का पौधे को पानी दे रहा था। ध्यान से सुनिए, लड़का पौधों को पानी दे रहा था। उसका हम लोग लिंग परिवर्तन करेंगे तो क्या होगा? लड़की पौधों को पानी दे रही थी। लड़का का लिंग स्त्रीलिंग क्या होगा? लड़की।
तो लड़की पौधों को पानी दे रही थी। देखो यहाँ पे दे रहा था क्रिया है, इधर हम लोग लिंग बदले तो क्या हो गया, दे रही थी। समझ में आ रहा है बच्चों? जैसे लिंग का परिवर्तन होता है, लिंग के साथ साथ क्रिया का भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे राजू खाना खा रहा था, तो उसका राजू का हम लोग लिंग परिवर्तन करेंगे तो क्या होगा, रानी खाना खा रही थी। देखो राजू खाना खा रहा था और लिंग क्या हो गया, परिवर्तन करके क्रिया खा रही थी, रानी खाना खा रही थी। समझ में आ रहा है बच्चों? देखो कुछ संज्ञा शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं, जो संज्ञा शब्द है वो हमेशा पुल्लिंग ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखते हैं, खरगोश, कौवा, बाज, भालू, मच्छर आदि। इन शब्दों का लिंग परिवर्तन करने के लिए हमें मादा शब्द लिखा जाता है। क्या लिखना पड़ता है उनके आगे, जैसे खरगोश लिखे तो हमको इसका लिंग परिवर्तन करना है तो क्या लिखेंगे, मादा खरगोश। कौवा लिखे मादा कौवा, बाज मादा बाज, भालू मादा भालू आदि लिखकर इसका लिंग परिवर्तन किया जाता है। कुछ स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, कुछ शब्द जो है हमेशा स्त्रीलिंग ही होते हैं, जैसे मक्खी, कोयल, मछली, मकड़ी आदि। इन शब्दों का परिवर्तन करने के लिए हमें नर शब्द लिखना पड़ता है। जैसे मक्खी स्त्रीलिंग है, उसका हम लोग पुल्लिंग बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, मक्खा, नहीं मक्खा नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, नर मक्खी। कोयल है तो उसका पुल्लिंग बनाने के लिए नर कोयल। मछली है तो उसका पुल्लिंग बनाएंगे तो नर मछली। और मकड़ी है तो उसका पुल्लिंग बनाएंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों, नर मकड़ी। ध्यान में रखिए बच्चों, इतनी सारी बातें हमेशा ध्यान रखने योग्य के बातें हैं, यहाँ भी जाने कुछ बातें हैं जो हमको और जानना है, महत्वपूर्ण बातें हैं। जैसे पर्वतों के नाम जो हमने पिछले स्लाइड में पढ़ चुके हैं कि उसमें पर्वत के कौन कौन से नाम है, तो उसका सारांश है बच्चों, से पर्वतों के नाम, दिनों के नाम, देशों के नाम, शहरों के नाम, समुद्रों के नाम, पेड़ों के नाम। पेड़ों के नाम में हम लोग इमली के पेड़ को छोड़कर, इमली, इमली में ई प्रत्यय लगा है इसलिए वो कौन सा लिंग होगा बच्चों, स्त्रीलिंग है ना। तो इमली के पेड़ को छोड़कर सारे जो पेड़ है वो पुल्लिंग होंगे। ग्रहों के नाम, इसमें पृथ्वी को छोड़कर, वर्णमाला के अक्षर, पानी, छाता, दूध, सेब, घुसा, सुख आदि संज्ञा शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं। समझ में आया बच्चों? ये सारांश है जो पिछला हम लोग ने पढ़े उसका, कि कौन कौन से जो नाम होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। जैसे दूसरा है नदियों के नाम, भाषाओं के नाम, लिपियों के नाम, बोलियों के नाम, बारिश, मेज, चाय, लीची, घबराहट, गर्मी आदि संज्ञा शब्द हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। समझ में आया बच्चों? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। भी कुछ उदाहरण है और क्वेश्चन है आप लोग, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को लिंग बदलकर लिखिए। जैसे पहला क, पुजारी। पुजारी का क्या होगा बच्चों, स्त्रीलिंग, पुजारी। वेरी गुड। शिष्य, शिष्या। या लग, आ प्रत्यय लग जाएगा ना इसमें, इसमें शिष्य है तो आ लगा देंगे, शिष्या, तो ये स्त्रीलिंग बन जाएगा। दूसरा है वाक्यों में लिंग बदल कर लिखिए। ये कुछ सेंटेंस है, वाक्य है, उसमें हमको लिंग बदल कर पूरा करना है। जैसे गाया गाना गा रहा है, गायक। गायक का स्त्रीलिंग क्या होगा बच्चों, गुड, क्या होगा, गायिका। तो इसमें हम लोग नीचे लिखेंगे गायिका गाना गा रही है। देखो ये लिंग बदलने के साथ साथ क्रिया भी बदल रही है ना, इसमें गा रहा है, गायक गाना गा रहा है हो गया, और नीचे हम लोग स्त्रीलिंग बनाएंगे तो गायिका
गाना गा रही है। ख, शेर जंगल में घूम रहा है। शेर क्या है, कौन सा लिंग है बच्चों? पुल्लिंग। गुड। तो वो क्या कर रहा है, जंगल में घूम रहा है। तो शेर का हमको स्त्रीलिंग बनाना है तो क्या होगा, शेरनी। वेरी गुड, शेरनी जंगल में घूम रही है। देखो संज्ञा के साथ साथ क्रिया भी बदलते जा रहा है ना। दूसरा प्रश्न, तीसरा है, वाक्यों में लिंग बदल करके लिखिए। क, हमें अपने शिक्षक और, शिक्षक के स्त्रीलिंग क्या होगा, शिक्षिका। तो वो जो खाली जगह है वहां पे हमको क्या लिखना है, शिक्षिका। हमें अपने शिक्षक और शिक्षिका का सम्मान करना चाहिए। ख, हाथी, अंडरलाइन क्या किया गया है, हाथी को। तो हाथी के जो स्त्रीलिंग है वो क्या होगा बच्चों, हथिनी। हथिनी, तो हाथी और हथिनी दोनों घास चरखा रहे हैं। हाथी और हथिनी दोनों घास खा रहे हैं। मैदान में बालक और बालिका खेल रहे हैं। बालक का क्या होगा बच्चों, स्त्रीलिंग बालिका। तो मैदान में बालक और बालिका खेल रहे हैं। देखो इसमें कुछ पिक्चर दिखाई दिया है, उसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग लिखा गया है। ग्वाला, ग्वाला का स्त्रीलिंग क्या है, ग्वालिन। मोर, मोरनी। अध्यापक का क्या होगा, अध्यापिका। मैं देखो आप लोगों को अभ्यास के लिए कुछ लिंग के नाम दिए गए हैं, इसमें से आप लोगों को लिखना है। जैसे बिल्ली, बिल्ली का स्त्रीलिंग क्या होगा, बिलाव। गुड। कुत्ता, कुत्तिया होगा। चूहा, चूहिया। ये सराव के लिए बच्चों, मैं सिर्फ नाम पढ़ रही हूँ, आप लोगों को इसका आंसर लिखना है। बंदर, बूढ़ा, मुन्नी, मुर्गा, बकरी, बेटा, मामा, हिरन, लोमड़ी, बच्चा, ऊंट, हाथी। हाथी का क्या होगा बच्चों बताइए, हथिनी। वेरी गुड, हथिनी। भूत, सिंह, मोर। मोर का बताइए क्या होगा स्त्रीलिंग, मोरनी। वेरी गुड। शेर, शेरनी। भैंस, प्रिय, बैल, माँ, माता, भाई, बहन, मित्र, रानी। रानी का पुल्लिंग क्या होगा, रानी क्या है, स्त्रीलिंग है, तो उसका पुल्लिंग क्या होगा बच्चों, राजा। वेरी गुड। तो ये आप लोगों को पूरा करना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न, दिए गए शब्दों का लिंग के आधार पर मिलान कीजिए। मिलान मतलब जोड़ियां मिलाना है। इसमें पिक्चर में देखिए क्या क्या दिखाई दे रहा है। ऊपर पहले में क्या है, राजा है, लड़का है, लड़की है, फिर क्या है, चूहा, हिरण, फिर गुड़िया है, हाथी है ना। तो इसके आधार पर इधर प्रश्न दिया गया है, तो हमको क्या करना है, उसमें जोड़ियां मिलाना है, मिलान करना है। तो पहला क्या है, राजा। तो इस दूसरे साइड से हमको ढूंढना है कि राजा, राजा क्या है, पुल्लिंग है। तो राजा का स्त्रीलिंग क्या होगा वो हमको ढूंढना है। जैसे रानी है ना, रानी दिखाई दिया आप लोगों को। गुड। तो इसके आगे राजा के साथ किसको मिलान करना है हमको, रानी को। पुत्र, पुत्री। हाथी, हाथी का स्त्रीलिंग क्या होगा बच्चों, किसके साथ मिलान होगा, हथिनी। वेरी गुड। मामा, मामा का, मामी। हिरन, हिरनी। चूहा, चूहा का किसके साथ होगा, चूहिया। नाना, नाना का स्त्रीलिंग नानी। और गुड्डा, गुड्डा क्या है बच्चों, पुल्लिंग है, तो उसका स्त्रीलिंग क्या होगा, गुड़िया। तो हम लोग को एक दूसरे के साथ, उनके साथ मिलान करना है। आप लोग करके आप भेजना है ग्रुप में, अपने अपने क्लास टीचर के साथ पास। कुछ और उदाहरण है बच्चों, देखो जैसे पिक्चर में दिखाई दिया है, पहले पिक्चर में क्या है, लड़का,
लड़का का स्त्रीलिंग लड़की, मुर्गा मुर्गा पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग मुर्गी, नाना नानी, हिरण हिरनी, मोर मोरनी के आधार पर हमको क्या करना है, नीचे जो प्रश्न है उसको जुड़िया मिलाना है। यहाँ पर भी जैसे पहला शेर, शेर का स्त्रीलिंग शेरनी के साथ मिलाया गया है जुड़िया, वैसे ही हमको दादा, दादा का किसके साथ मिलेगा बच्चों, स्त्रीलिंग क्या होगा दादा का, दादी। गुड, क्या होगा दादी। आदमी का क्या होगा स्त्रीलिंग, औरत, बेटा बेटी। गुड, चिड़िया, चिड़िया क्या है स्त्रीलिंग है तो उसका पुल्लिंग क्या होगा, चिड़ा, तो उसका जोड़िया किसके साथ लगेगा, चिड़ा के साथ। सिंह, सिंहनी, चूहा, चूहिया और लास्ट है बूढ़ा, बूढ़िया। ये तो ये सारे आपको क्या करना है, जोड़िया मिलाना है। उदाहरण देखकर जोड़िया बनाओ, जोड़े बनाओ। दादा का स्त्रीलिंग क्या हो गया, दादी। वैसे नाना का क्या होगा, तो वहां पे आपको लिखना है जो खाली जगह है वहां पर, नानी, माँ, पिता, बहन, ये सब आपका होमवर्क है। ये चाचा, चाची, मौसी, मौसा, बुआ, फूफा और मामा का क्या होगा बच्चों, मामी। गुड, नीचे पिक्चर में देखिए, इसमें भी जोड़िया मिलाना है, राजा रानी। देखो दूसरे पिक्चर में क्या है, धोबी है वो कपड़े धो रहा है, तो वो धोबी, धोबी का स्त्रीलिंग क्या होगा बच्चों, धोबीन। नीचे वाले पिक्चर में देखो धोबीन। शेर, पिक्चर देख के वहां पर नाम लिखना है शेर, और इधर शेरनी, शेरनी के साथ हेलो नर्मदा मैडम। हाँ सर, 9 बज चुके हैं, आपका लेसन का टाइम हो चुका है पूरा। सर 2 मिनट रुकिए सर, एक थोड़ा बाकी 5 मिनट का। ये बच्चों ये देखिए, इसमें भी होमवर्क है, आप लोग को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सब होमवर्क आप लोग को पूरा करना है और अपने क्लास टीचर को सेंड करना है। देखो पिक्चर देखना है, इस पिक्चर में स्त्रीलिंग पुल्लिंग के नाम देखना है और लिखते जाना है, स्त्रीलिंग में कौन कौन से नाम आएंगे, पुल्लिंग में कौन कौन से नाम आएंगे। यहाँ पर ये कुछ वाक्य है बच्चों, मैं पढ़ती हूँ। जैसे शिमला का मौसम, उसमें से 2 ऑप्शन है, ठंडा या ठंडी। इसमें से आपको चुनकर लिखना है कि ठंडी आएगा या ठंडा। शिमला का मौसम कैसे होता है बच्चों, ठंडी। रोहन रोज स्कूल जाती है आएगा कि जाता है, तो रोहन क्या है पुल्लिंग है तो क्या आएगा बच्चों, जाता है, रोहन रोज स्कूल जाता है। इमली खट्टा या खट्टी, तो इमली कैसे होता है बच्चों, खट्टी होती है। सीमा हंस रही है, क्यों, क्योंकि सीमा स्त्रीलिंग है इसलिए उसके क्रिया में रही है आएगा। मेरा भाई दिल्ली में पढ़ाता है, भाई है तो भाई पुल्लिंग है तो क्या होगा, पढ़ाता है। गाय दूध देती है, जो ये खाली जगह रिक्त स्थान है वो आप लोग को भरना है। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सर। सर